हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक ट्रिक्स। आज के वीडियो में हम स्टोन्स का यूज़ करके प्लांटर बनाने वाले हैं, जिसके लिए हम इस तरह के स्टोन्स, वाटर और सीमेंट एंड सैंड का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ हमने इक्वल क्वांटिटी में सीमेंट एंड सैंड का यूज़ किया है। हमें जिस शेप का प्लांटर बनाना है, इसके लिए हमने इस तरह के प्लास्टिक पॉट का यूज़ किया है। इसे हमने प्लास्टिक से कवर कर दिया है। इसके बाद हम पॉट के बेस पर स्टोन्स को सेट करते हुए सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद हम सीमेंट के मिक्सचर को पॉट के बेस पर स्प्रेड करेंगे। बेस पर स्टोन्स का यूज़ नहीं करेंगे, इससे बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा और प्लांटर के ब्रेक होने के चांसेस नहीं होंगे। इसके बाद हम स्टोन्स की नेक्स्ट लेयर को भी सेट कर लेंगे और बेस पर सीमेंट के मिक्सचर को स्प्रेड करते हुए स्टोन्स को भी सीमेंट से कवर कर देंगे। प्लांटर के बेस के सेंटर पर हम वाटर ड्रेन के लिए होल कर लेंगे। सीमेंट मिक्सचर स्टोन्स की गैपिंग में अच्छे से फिल होना ज़रूरी है, जिससे स्टोन्स अच्छे से आपस में सेट हो जाएंगे। आफ्टर 24 आवर्स हम प्लांटर को प्लास्टिक पॉट से सिक्योरली बाहर निकाल लेंगे। पॉट को हमें 2 दिनों के लिए पानी में भिगोकर रखना होगा। एंड द प्लांटर इज़ रेडी टू यूज़ एंड यू कैन सी द टेक्सचर, इट्स लुक सो गुड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।